फ्रेंड्स, मेरे चैनल अनीता नेचुरल ब्यूटी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। आई होप फ्रेंड्स आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी होम रेमेडी लेकर आई हूँ। और फ्रेंड्स, मैं यही कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए इजी से इजी रेमेडी लाऊं और बिल्कुल सेफ और नेचुरल लेके आऊँ। तो फ्रेंड्स, उसको बनाने के लिए हम इस तरीके से बाउल ले लेना है और उसमें हमको बेसन ले लेना है। 1 टेबल स्पून इस तरीके से बेसन लेना है। उसके बाद सेकेंड आपको ले लेना है पिसा हुआ मसूर, वो भी आपको 1 टेबल स्पून ले लेना है। फ्रेंड्स, ये जितने भी आपकी स्किन पे टैन हो गया है या फिर आपकी स्किन इवन टोन हो गई है धूप की वजह से, आपकी बॉडी पे बहुत मैल जमा हो जाते हैं जो आसानी से नहीं निकलते हैं, उनके लिए मैं बहुत ही अच्छी ये रेमेडी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। उसके बाद थर्ड ले लेना है हमें कॉफ़ी पाउडर। फ्रेंड्स, आपके घर में जो हो वो आप कॉफ़ी ले लीजिएगा। उसके बाद थर्ड इंग्रेडिएंट हमें ले लेना है इस तरीके से रॉ मिल्क यानी कि कच्चा दूध। फ्रेंड्स, इसका एक थिक सा पेस्ट बनाना है, ज़्यादा ना मोटा होना चाहिए ना ज़्यादा पतला। तो आपको अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, कई बार ऐसे होता है कि हमें टाइम नहीं होता अपने फेस पे, तो हम टाइम देके कुछ ना कुछ फेस पैक या कुछ भी लगा ही लेते हैं, लेकिन अपनी बॉडी का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रख पाते हैं। हाथों पैरों में जो गंदगी जमा हो जाती है वो नॉर्मल हम बॉडी वॉश या फिर सोप से भी नहाते हैं तो वो क्लीन नहीं हो पाता है। उसके लिए फ्रेंड्स, इस रेमेडी को हफ्ते में आपको 2 बार अपने हाथ पैरों में लगाना है। ये बहुत ही अच्छी रेमेडी और आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। और उसके बाद फ्रेंड्स, लास्ट इंग्रेडिएंट्स आपको डाल देना है खाने का सोडा, जो सभी के घरों में आसानी से मिल जाता है। फ्रेंड्स, तो खाने का सोडा सिर्फ आपको इतना ही लेना है। और फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि इसको आपको फेस पे बिल्कुल भी नहीं लगाना है, इसको आपको अपनी पूरी बॉडी पे ही बस इसको अप्लाई करना है। फ्रेंड्स, आपकी बॉडी में हाथ पैरों में जिद्दी जो मैल होते हैं उनको भी ये रिमूव करने में हेल्प करेगा। और कई बार ऐसा होता है कि हम सैंडल या फिर शूज़ पहनते हैं तो उससे भी हमारी जो चप्पलों से भी टैन हो जाते हैं हमारे हाथ पैरों में, तो वो भी बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और आपके हाथों को भी बहुत अच्छे से क्लीन करता है। अगर फ्रेंड्स, इसको हफ्ते में आप 2 बार भी लगा लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती अपने हाथ पैरों को क्लीन करने में। आपका एक हफ्ता आराम से आपकी स्किन ग्लोइंग और ब्राइट रहेगी। ये बिल्कुल नेचुरल है तो इसके साइड इफेक्ट तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आपको दूध सूट नहीं करता है तो आप इसकी जगह पे दही भी ले सकते हैं। इसमें से कोई भी इंग्रेडिएंट्स आपको सूट नहीं करता है तो या फिर उसको स्किप कर दीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, तो लगाने का तरीका भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पहले अपनी बॉडी को अच्छे से क्लीन कर लेना है, उसके बाद इसका एप्लीकेशन आपको कर लेना है। और फ्रेंड्स, 10 मिनट के लिए अच्छे से पूरे आपको अपने हैंड्स पे अच्छे से मसाज करना है और पैरों में भी हाथों में भी बहुत ही अच्छे से मसाज करना है। आपको कंटिन्यू 15 मिनट तक अच्छे मसाज देना है अपने पूरे को बॉडी को। और फ्रेंड्स, इसको बॉडी में ही आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, हाथ में, पैरों में, कहीं पे भी, लेकिन बस फेस पे आपको अप्लाई नहीं करना है। तो 15 मिनट तक आप ऐसे ही मसाज करेंगे पूरे हाथों में। और फ्रेंड्स, आपकी कोई भी स्किन टाइप हो सभी के लिए सूटेबल है, सभी के लिए बहुत अच्छा है। तो आपका जो भी स्किन टोन हो, चाहे ऑयली हो, ड्राई हो या कॉम्बिनेशन हो, सभी स्किन टाइप्स के लोग लगा सकते हैं, बॉय गर्ल सभी लोग लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, जो मसाज देना है वो थोड़ी टाइट हाथों से देना है ताकि अच्छे से हमारा क्लीन हो जाए बॉडी। अगर आप चाहते कि आपके हाथों पैरों के जिद्दी दाग धब्बे धीरे धीरे कम हो जाए तो इस प्रोसेस को अगर हफ्ते में 2 बार करेंगे तो आपकी स्किन इतना ग्लो करेगा कि आपको फिर कुछ भी और लगाने की ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। तो आइए फ्रेंड्स, मैं इसको आपको वॉश करके दिखाती हूँ। और इसको फ्रेंड्स, आपको ड्राई नहीं करना है, बस 10 से 15 मिनट अच्छे से मसाज करके आप शावर ले सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, मैं क्लीन करके आप लोगों को दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं मेरी स्किन कितनी ग्लोइंग लग रही है। अब मैं अच्छे से वॉश करती हूँ। फ्रेंड्स, तो आप लोग देख सकते हैं मेरी स्किन कितनी ग्लोइंग और ब्राइट लग रही है। तो इस तरीके से अगर आप भी इसी प्रोसेस से बिल्कुल लगाते हैं तो आपकी भी जितने भी टैन होंगे आपके हाथों के वो रिमूव हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, जो आपके फेस पे गंदगी जमा होती है वो भी क्लीन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर इस टाइप की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट भी जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, तो अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आप लोगों के लिए उसी टॉपिक पे वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।